हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड लेवल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स चैप्टर बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन में बोल रहा है आप यदि ओपन करके लिखें तो इस तरह से होता है सी एस थ्री सी एस थ्री इसका नेम होता है इथेन आर अरेन्ज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट वाट इज द करेक्ट ऑर्डर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को यहां पर लिखना है तो सबसे पहले अपन यहां पर देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ये जो सॉलिड्स का जो ऑर्डर होता है जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या किया स्टडी किया है तो सबसे ज्यादा नेटवर्क सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके बाद हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हो जाएंगे इसके बाद हमारे पास कौन से सॉलिड्स हो जाएंगे सॉलिड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड्स मोलिकुलर सॉलिड्स में हमारे पास कौन से हो जाते हैं जिसमें वांडरवाल फोर्सेस होते हैं वीक फोर्सेस या वांडरवाल फोर्सेस वहाँ पर एक्ट करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल ये दिया पल ने तो यहाँ पर सिलिकन जो होता है वो इन फॉर्म ऑफ एस नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है तो मेल्टिंग पॉइंट अपन देखें तो सिलिकन का सबसे ज़्यादा होगा देन आयनिक सॉलिड की बात करें तो के क्योंकि यहाँ पर के प्लस है और सी एल माइनस के फॉर्म में इसके बाद अपन एल्कोहल लें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और सबसे लास्ट में मॉलिकुलर सोलिड यानी वांडरवाल फोर्सेज है क्योंकि ये नॉन पोलर है नॉन पोलर मोलिकुल्स में मोस्टली वांडरवाल फोर्सेज होते हैं तो यहाँ पर ये सबसे सी टू एच एक्स सबसे लास्ट में हो जाएगा तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें अपन सी टू एच सिक्स सबसे कम फिर सी एस थ्री ओ एच फिर के सी एल फिर सिलकन ये सबसे ज़्यादा सिलिकन में मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट है वन फोर्टी टू वन फोर्टी टू में बोला गया विच सब्सटेंस हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे ये है एस आई ओ टू जो है वो एक नेटवर्क सॉलिड है नेटवर्क सोलिड बाकी सब कोवलेंट सॉलिड्स हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड सॉरी कोवलेंट बॉन्ड्स ही होंगे इनमें बट यहाँ पर काफ़ी बड़ा नेटवर्क मोलर मास भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मोलिकुल्स जो होंगे वो काफ़ी अटैच रहेंगे क्योंकि सिलिकन एस आई ओ टू का जब आप स्ट्रक्चर नेटवर्क सॉलिड टाइप का बनाते हैं तो हमारे पास एक सिलिकन चार ऑक्सीजन एटम से इस तरह से कनेक्टेड होता है और ये चेन चलती जाती है तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाईएस्ट होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन सी नेक्स्ट है वन इसमें बोला गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये जो दिया गया है कंपाउंड इसमें ओ OH और एफ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये डायरेक्टली कोवेलन बॉन्ड से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन से और उसके बाद में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहां पर आ जाए तो जो बन रहा होता है बॉन्ड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इन दो केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन बोर्ड नहीं बनाता है तो अपन यहां पर देखेंगे मोलर मास हाई मोलिकुलर मास हाई मोलिकुलर मास होगा तो हाई स्ट्रोंग वांडरवाल फोर्सेस होंगे स्ट्रोंग वांडरवाल फोर्सेस होंगे स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्सेस होंगे तो हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का हमारा ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट का होगा क्योंकि ड्यू टू तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद थर्ड का हो जाएगा फिर सेकेंड हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा देखें अपन सॉरी यहाँ पर एक चीज और होगी इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है इन दोनों में भी पर इन दोनों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है क्योंकि हमारे पास इस तरह से ये मोलिक्यूल में हो सकता है यहां पर तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही दैट इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड और हमारे पास यहां पर अपन यदि देखेंगे तो क्या होगा ओ एच यहां क्लोरीन है दूसरा मोलिक्यूल अपन फिनॉल का इसी तरह से ले आए तो इनके बीच में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो ये हमारी कौन सी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हमारे पास यदि बॉइलिंग पॉइंट का यदि आप ऑर्डर देखें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस के में ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट देन इंट्रामोलिकुलर क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जब करेंगे तो मोलिकुल्स को आप नियरर लाएंगे और उनके बीच में भी क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस होंगे बट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेम है फिर अपन इनमें मोलिकुलर मास का कंपेरिजन देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा थर्ड सबसे ज्यादा देन सेकेंड और सबसे लास्ट में फर्स्ट तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट है 44 इसमें बोला गया है विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट ट्रू अबाउट एच टू ओ मोलिक्यूल्स एच टू ओ मोलिकूल्स को यदि आप गौर से देखें ये इस तरह का मोलिक्यूल है दो लोन पेयर्स हैं तो इस पर डायपोलोमेंट की बात करेंगे तो डायपोलोमेट एक तो इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में और लोन पेयर्स की वजह से भी इस डायरेक्शन में तो नेट डायपोलोमेट सेम डायरेक्शन में हो रहा है यानी म्यू नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा ठीक है तो ये द मोलिक्यूल हैज़ म्यू इजकुल टू जीरो यही फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं मोलिक्यूल कैन एक्ट एज अ अस तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पे रह डोनेट कर सकता है तो ये ट्रू है शो एब नॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इन कंपेरिजन टू हाइड्राइट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप यानी हमारे पास ऑक्सीजन सल्फर ये जो है इनमें हमारे पास ग्रुप में केवल हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक जो होगी वो एच टू ओ में होगी यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट अपन देखेंगे तो एच टू का बाकी ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा ही होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया हैज बैंड शेप तो यहां पर शेप जो दिख रही है लोन पेयर्स को रिमूव कर दे अपन तो बैंड शेप है तो ये भी ट्रू है तो यहां पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट केवल ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट 145 फोर्टी फाइव द बॉइलिंग पॉइंट एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर ऑफ एच एफ एच टू एस एन एस थ्री कैन बी अरेज इन द फॉलोइंग तो हमारे पास एच एफ और एन एच थ्री इन दोनों में ही क्या हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ठीक है बट यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है इसकी वजह से हमारे पास डेल प्लस चार्ज यहाँ पर मोर बनेगा मोर डेल प्लस चार्ज होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कम्पेरेटिव एन थ्री स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा एच का क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है देन एन और एच टू के, के केस में हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट का कंपाउंड हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है HF एफ एन एच थ्री एच टू एस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट 146 फोर्टी सिक्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड तो यहाँ पर हमारे पास देखिए H2O और H2O2 इन दोनों ही कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है बट यहां पर आप देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर एक तरीके से ज्यादा अवेलेबल है मोर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोंड्स ठीक है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोन्ड्स होने की वजह से यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी सॉरी यहाँ पर अपन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात पूछ रहे हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट की तो इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से मोर बॉइलिंग पॉइंट तो यदि आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन करते तो एच टू ओ टू जोधा होता किससे एच टू ओ से ठीक है बट यहाँ पर अपने को बोला गया हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की अपन बात करते हैं तो हमारे पास जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और फिर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास डेल प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करने की कोशिश कर रहा है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो अब हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि एच टू ओ केस में ऑक्सीजन जो है इन दोनों से ही क्या ले रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है यहाँ पर डेल प्लस चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पर डेल प्लस चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पर टू मैग्नीट्यूड में डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट चार होगा ठीक है और एच टू ओ टू की बात करें एच टू ओ टू में यहां पर डेल प्लस है तो यहां पर डेल माइनस है यहां पर भी डेल माइनस और यहां पर भी डेल प्लस है तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास एच टू ओ टू में ऑक्सीजन के पास में कम है तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से यदि आप क्यू वन अपन मान लें और इसको क्यू टू मान लें चार्ज तो क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू है तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेगा एच टू में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो चार्ज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात पूछी जाए तो एच ज्यादा बनाएगा बट स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करी जाए तो एच ज्यादा बनाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो जाएगी तो सबसे ज्यादा तो किस में हो जाएगा एच में जहां पर चार्ज सबसे ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन से देन हमारे पास एच टू हो जाएगा देन एच टू ओ टू हो जाएगा और सबसे लास्ट में एच टू एस हो जाएगा जहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वन फोर्टी सेवन इसे बोला गया विच कंपाउंड डज नॉट हैव इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहला मोलिक्यूल ए ही देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास सी यू जो है वो प्लस टू फॉर्म में सी यू प्लस टू और एच टू ओ जो है वो क्या कर रहा है वो सिंपली एज अ लिगेंड अपना लोन पेयर क्या करेगा इनको डोनेट कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर, पेयर है यहां पर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर क्या कर रहा है इसको डोनेट कर रहा है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक एच टू मोलिक्यूल बाहर भी रखा हुआ है ये एच टू मोलिक्यूल क्या करेगा सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ यहाँ पर इन एच टू मोलिक्यूल्स के साथ H2 टू हाइड्रोजन आइटम्स के साथ और जो SO4 2- है वो स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है O- और यहाँ पर O- तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये मोलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर कैटाइनिक पार्ट हो गया ये नैनिक पार्ट हो गया और ये एच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहे है तो यहाँ पर अपन गौर से देखें यहाँ पर ये यह तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ठीक है इसके साथ साथ यहां पर ये जैसे सी यू प्लस और यहां पर एसओ फोर टू माइनस और एनिक स्पीसीज है तो इनके बीच में आयोनिक इंट्रेक्शन भी हो जाएगा यानी यहां पर आयोनिक बॉन्ड भी बन रहा है तो इस ऑप्शन में चारों के चारों वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है तो बाकी सब बी और सी में बी ऑप्शन में देखेंगे तो ये वेरिएशन अवेलेबल होंगे बट डी ऑप्शन में यदि अपन बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा Fe3+ ई है इसके साथ यहाँ पर H2 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 ये न्यूट्रल होता है एक तरीके से H2O जो लिगेंड होता है तो ओवरऑल चार्ज को ये अफेक्ट नहीं करता तो सिक्स H2O टू यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है थ्री प्लस थ्री सिक्स ठीक है और इसके साथ यहाँ पर सी एल थ्री यानी थ्री सी एल माइनस भी यहाँ पर अवेलेबल है तो यानी क्लोरीन माइनस यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा तो इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर केवल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है नो हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी तीनोंपशन अवेलेबल हैं ठीक है तो चारों के चारों अपने को अवेलेबल होने चाहिए थे तो चारों के चारों अवेलेबल किस ऑप्शन में नहीं है डी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है बाकी सब में अवेलेबल है ठीक है नेक्स्ट है 148 इसमें बोला गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट नेक्स्ट है ई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एच टू एन एच थ्री आर मैक्सिमम इन दियर रेस्पेक्टिव ग्रुप ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास एच टू और यहाँ पर एच टू एस अपन करें तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही एन एच थ्री और पी एच थ्री में बात करें तो पी एच थ्री में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच टू और एन एच थ्री का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है बाकी हाइड्राइड्स की उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है फिर अपने को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी एच फोर आउट ऑफ सी एच फोर एस आई एच फोर जी एच फोर एस एन एच फोर इज़ लीस्ट क्योंकि हमारे पास अपन टॉप टू बॉटम यदि जा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है मोलिकुलर मास इंक्रीज़ हो रहा है तो वांड्रवाल फोर्स इंक्रीज़ होंगे वांड्रवाल फोर्स स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा तो सबसे लीस्ट जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट वो सी एच फोर का होगा क्योंकि इसका लीस्ट मोलर मास है इसके ग्रुप हाइड्राइड्स में तो हमारे पास ये भी ट्रू स्टेटमेंट है फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स डाइमर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड जो होता है वो होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये हमारा है फॉर्मिक एसिड अब इसमें यदि अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करानी है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से करता है सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पर यहाँ पर सी ओ एच सी डबल बोंडो और यहाँ पर एच ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों जो बॉन्ड है ये दोनों ही बॉन्ड क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया दो एच सी डब्ल्यू एच फॉर्मिक एसिड कंबाइन होकर एक डायमर का फॉर्मेशन कर लेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया ट्रू हो गया तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन फोर्टी बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुल्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सी एस थ्री सी डब्लू एच की बात करें तो सी एस थ्री सी डबल बोंड ओ एच इसमें हमारे पास इसी तरह से अटैच कर दें दूसरा सी एस थ्री सी डबल ओ एच तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है इसलिए ये कौन सा टाइप है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करें ओर्थो नाइट्रोफिनोल यहाँ पर ओ OH एच है इसके साथ NO2 टू ग्रुप है ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट इज़ एच बॉन्ड मेटा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो मेटा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो के अलावा मेटा और पैरापोजन दोनों पे ही क्या होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इस तरह से एक दूसरा इसी तरह का एक मोलिकुल लेके आएंगे आप तो उनके बीच में क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थोबेरिक एच थ्री बी ओ थ्री में आप देखें तो यहाँ पर ओ OH एच यहाँ पर बी ओ एच और यहाँ पर ओ OH. एच तो यही सेम अपन करेंगे यहाँ पर ओ एच ओ एच और ये ओ एच तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करी है सेकेंड में इंट्रामोलिकुलर तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है वन फिफ्टी इसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर तो पहला ए ऑप्शन देखते हैं सी एस थ्री सी डब्लू एच तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच और वाटर ये दोनों एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं इस तरह से फिनॉल और सी एच फोर की बात करें तो फिनॉल में हमारे पास ओ OH एच है सी एच फोर की बात करें तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो मस्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो जिससे डेल प्लस चार्ज क्रिएट हो और पास में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो यहाँ पर कार्बन जो हाइड्रोजन है उस पर डेल प्लस चार्ज तो क्रिएट हो जाएगा बट अभी यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास में कोई लोन लॉनपेड नहीं है या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा सिमिलरली सी एच एफ थ्री और एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है अब हमारे पास सी एच एफ थ्री की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जब आप इसका बनाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन है तो जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे फ्लो कार्बन से ना कि फ्लोरिन से तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी सिमिलर केस यही होगा एच एफ यहाँ पर डेल प्लस चार तो क्रिएट हो गया बट फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतना जितना जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो पाए तो इस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ऑप्शन ए में होगी ठीक है तो इस तरह आज अपन ने लेवल वन कंप्लीट कर लिया केमिकल बॉन्डिंग का